हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिस वीडियो में बात करने वाले बिनोमो प्लेटफॉर्म के बारे में, बिनोमो में पैसे को डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, इसके साथ में शार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, इस बिनोमो प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, सारा इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, आप सिंपल तरीके से बिनोमो प्लेटफॉर्म में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, या फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे शार्ट मिलेगा। तो अपने शार्ट को पहले सेटिंग करना है, उसके बाद में आपको मैं बता दूंगा कि पैसे भी कैसे इसमें डिपॉजिट करते हैं। इधर आने के बाद में आपको अगर कैंडल वाला यहाँ पर देखना है तो आपको सिंपल है, इधर से इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिएगा अलग अलग टाइप का, ये लाइनर वाला हो गया, फिर ये कैंडल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप की कैंडल बनेगी। इसके बाद में सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो है टाइम फ्रेम का। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग टाइम फ्रेम से कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ 1 आवर्स का देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 आवर्स की कैंडल है, और यहाँ पे तो ज़्यादातर यूज होती है 1 मिनट या फिर 2 मिनट का ही यहाँ पे ज़्यादातर कैंडल यूज होता है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट स्टार्ट कर देता हूँ, देखिएगा। इसके साथ में जो थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना अवेलेबल पर, और यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर का यहाँ पे नाम बता रहा है। MACD हो गया, RSI हो गया, जो पॉपुलर इंडिकेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज भी हो गया, बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको अगर एडिटिंग करनी है, यहाँ पे कोई भी शार्ट को बनाना है और ट्रेंड लाइन बनानी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रेंड लाइन यहाँ पे दी गई है, वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सारी आप अपने शार्ट में एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे गिफ्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेडिंग करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिनों के बाद में जो भी बोनस मिलेगा आपको, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं कि पैसे को डिपॉजिट कैसे करना है। यहाँ पे भी डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, और जस्ट यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको बैलेंस वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके जस्ट पीछे आपको एरर मिलेगा, यहाँ पे एरर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर पैसे को विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पर क्लिक करना है। पैसे को डिपॉजिट करने के लिए सिंपल सा डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे तरीके से इसमें पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलर है वो UPI है, और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं और इनसे ही पैसे को इसमें डिपॉजिट करते हैं। इसके साथ में अगर आपके अदर वॉलेट में अगर क्रिप्टो के USDT पड़े हैं, क्रिप्टो के कॉइन पड़े हैं और USDT हैं, तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एड्रेस के थ्रू टॉन कॉइन भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग से अगर पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं वो भी ई वॉलेट वाला भी ऑप्शन है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे UPI, फ़ोनपे, गूगल पे ही यूज़ करते हैं और इसी से पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो सिंपल सा मैं भी यहाँ पे आपको गूगल पे से डिपॉजिट करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। इसके अलावा भी आप सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं गूगल पे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम आप 500 रुपीज़ ही इसमें डिपॉजिट कर सकते, देखिएगा 500। अगर यहाँ पे मैं 400 लिखता हूँ तो भी नहीं होता है। तो मिनिमम इसमें 500 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट कर सकते। इसके बाद में अगर आपके पास में कोई कूपन कोड है तो आप यहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ भी नहीं है तो विदाउट ए बोनस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद में यहाँ पे अपना जिस भी अकाउंट से इसमें पैसे को डिपॉजिट करने वाले उसका यहाँ पे नाम लिखना है, और ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगी। फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, जिस गूगल पे से आप इसमें पैसे को डिपॉजिट कर दें। तो ये मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जल्दी फिल कर देता हूँ, और ये करने के बाद में आपको यहाँ पे डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। उसके जस्ट बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये टाइमिंग का, ये टाइमिंग कंप्लीट ना हो जाए उससे पहले यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट बता रहा है 500 रुपीज़। आपको इधर क्या करना रहेगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर मिल रहा है इस पर पेमेंट सेंड करना है 500 रुपीज़। इसके साथ में यहाँ पे UPI ID भी यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ से UPI ID कॉपी करके भी आप 500 रुपीज़ इस पर क्लिक सेंड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे UTR नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे कॉपी करके डालना रहता है, यानी कि जो भी आप पेमेंट सेंड करोगे तो यहाँ पे एक UTR नंबर या फिर कोई और नाम लिखा होता है, लेकिन उसमें 12 कोड रहते हैं, वो आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। वो 12 कोड यहाँ पे डालना है।
ये देखिए आपसे यहाँ पे ऑप्शन है 12 कोड का या UTR नंबर, यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका पैसा कुछ ही टाइम में इसमें डिपॉजिट हो जाएगा और सिंपल सा प्रोसेस है। जिस बंदे को पेमेंट रिसीव नहीं होता है वो यहाँ पे कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा, वैसे तो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बैक आना है और जस्ट यहाँ पे और बैक आना है और यहाँ पे आने के बाद में आपको प्रोफाइल पर ही रहना है और नीचे स्क्रॉल करना है। जस्ट यहाँ पे हेल्प सेंटर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इधर से आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करके इनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप इसमें पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे साथ में लाइव स्ट्रीम में ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ में कॉलेब करना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो भी मैं आपके लिए फ्री में लाइव स्ट्रीम में आपको ऐड करूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मार्केट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो लाइव स्ट्रीम में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करना है और मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको मैं मेरी लाइव स्ट्रीम में ऐड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।